नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के वीडियो में हम आप लोगों को साल 2023 में आपके साथ स्वास्थ्य, रोजगार, प्रेम, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, लाभ और निवेश, शिक्षा से जुड़ी आपके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आने वाले साल यानी कि साल 2023 में आपको अपने जीवन में शत प्रतिशत घटित होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, वह घटनाएं कौन कौन सी रहने वाली है, इन घटनाओं में क्या शुभ संकेत आपके लिए छुपे हुए हो सकते हैं, जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको हर एक घटना के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहे। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार आने वाली वर्ष आपके लिए सामान्य होने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा। वहीं सुख के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आपको मकान, वाहन, पारिवारिक आदि सुख की प्राप्ति हो सकती है। निवेश के मामले में वर्ष के शुरुआती कुछ महीने आपको अधिक सचेत रहना होगा। वहीं भाग्य की दृष्टि से ये वर्ष सामान्य ही रहेगा। इस वर्ष आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर शुरुआत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, परंतु वर्ष के मध्य एवं अंत के आते आते आपको अपने प्रेम संबंध में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सिंह स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। वर्ष 2023 में वर्ष प्रवेश के समय सिंह राशि के जातकों का स्वामी सूर्य सिंह राशि से पांचवे घर में बुध के साथ बुध दायित्व योग बनाया हुआ है और ये योग काफी अच्छा योग है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होने से आपको आरोग्य बनाता है। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं तो इस वर्ष आपको उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। शुक्र छठे घर में शनि के साथ है, इस कारण वर्ष जो लोग धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करते हैं उन्हें इस वर्ष इन नशों दूर रहना होगा या फिर इनका सेवन करना कम करना होगा, एवं इसके परिणाम स्वरूप वे लोग बीमारी से दूर रह पाएंगे। वह जातक जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है उन्हें पीठ के दर्द का कष्ट हो सकता है। ऐसे में रोग एवं बीमारियों से दूर रहने के लिए महामृत्युंजय जाप करें। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2023 स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहने वाला है, परंतु वर्ष के अंत समय स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। वर्ष के आरंभ से लेकर मई तक पेट की परेशानियों का विशेष ध्यान रखें एवं उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। साथ ही वर्ष 2023 स्वास्थ्य के मामले में बच्चों और वयस्कों के लिए उत्तम दिख रहा है। सिंह जीवन और खुशी राशिफल 2023। वर्ष 2023 में आपके जीवन को सुख है। मंगल आपके राशि में दशम भाव में विराजमान है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके लिए माता पिता, वाहन, मकान आदि के सुख को दर्शाता है। मंगल के वक्री होने की वजह से वर्ष के शुरुआत में शायद आपको इन सुखों की प्राप्ति ना हो पाए, परंतु वर्ष के मध्य तक आते आते आपको इन सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। हमारा सुख भाव हमारे जीवन के संतुष्टि का भाव भी होता है। ऐसे में इस वर्ष आपको अपने द्वारा किए गए सारे कार्यों में संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आपको अपने और अपने पिता के बीच के संबंध को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो इस वर्ष उस विवाद में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस वर्ष आपके लिए पारिवारिक सुख का भी उच्च योग बन रहा है। सिंह वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में सिंह राशि के जातकों को शिक्षा का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि से अष्टम भाव में है। इस कारण वर्ष आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योग बन रहा है और साथ ही बृहस्पति की ये स्थिति आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को भी दर्शाती है। पंचम भाव में सूर्य बुध होने के कारण आपको प्रेम के क्षेत्र में जोड़ संघर्ष करना पड़ सकता है एवं इस संघर्ष के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय नए प्रेम संबंध बनाने के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु वर्ष के माध्यम से आपको इसमें सफलता मिल सकती है। संतान के सुख से वंचित जातकों को वर्ष के अंत में संतान जन के सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये वर्ष उन जातकों के लिए काफी उत्तम है जो अपनी संतान से किसी तरह की आस लगाए बैठे हैं। इस वर्ष आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी एवं आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। वर्ष के आरंभ में वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि आपकी राशि से छठे घर में शुक्र के साथ अपनी ही राशि में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप ये वर्ष आपके और आपके जीवन साथी के लिए काफी अच्छा होगा। आप अपने जीवन साथी को लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही यदि आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद चल रहा है तो वह भी सुलझ जाएगा। सिंह भाग्य और धर्म राशिफल 2023। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के भाग्यों का स्वामी मंगल दशम भाव में विराजमान है। साथ ही चंद्र राहु के भाग्य स्थान में युति होने की वजह से इस वर्ष आपको अपने भाग्य पर निर्भरता कम रखनी होगी। साथ ही साथ धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि भी कम हो सकती है। इस वर्ष आपका मन स्थिर और भटका हुआ रह सकता है। ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता अपने मन को शांत करने की होगी। आप दान धर्म, पूजा पाठ या ऐसे किसी कार्य को करने की कोशिश करें जिससे आपको मन को शांति एवं संतुष्टि मिली एवं इसके परिणाम स्वरूप आपका मन स्थिर रहेगा और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। सिंह नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में व्यवसाय का स्वामी शनि छठे घर में विराजमान है। इस कारण वर्ष इस वर्ष आपको व्यवसाय के क्षेत्र में काफी मेहनत एवं संघर्ष करनी पड़ सकती है। खासकर जो लोग लोहे, तेल, मशीनरी आदि का व्यवसाय करते हैं उन लोगों को वर्ष के शुरुआती 3 महीने धैर्य रखना होगा। शनि आपके धैर्य का फल आपको मीठा ही देगा। वर्ष के शुरुआती 2-3 महीने निवेश करने से बचे। निवेश को छोड़कर ये समय अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायों के लिए सामान्य रहेगा। वहीं नौकरी के स्वामी शुक्र की यति शनि के साथ होने के इस वर्ष आपके लिए नौकरी में पद प्रतिष्ठा, सम्मान एवं उन्नति मिलने का योग है। आप अपने स्थान में परिवर्तन करने से बचे, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई जॉब में काम करने वाले जातक अपने कार्यों में धैर्य रखें क्योंकि आपके लिए लंबी सफलता का योग है। सिंह लाभ और
निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 में सिंह राशि के जातकों को धन और लाभ का स्वामी बुध सूर्य के साथ धनु राशि में विराजमान है। यदि हम लाभ घर पर दृष्टि डालें तो ये पता चलता है कि इस वर्ष आपको अच्छी मात्रा में लाभ मिलने के योग है एवं आपको धन संचय की अच्छी मात्रा में होगी। साथ ही साथ आपका धन जो लंबे समय से किसी जगह पे फंसा हुआ है, इस वर्ष उस धन के आने का भी योग है। नौकरी पेशा जातकों को अच्छी मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर खुले मन से धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही आप यात्राओं पर भी धन खर्च करेंगे एवं आप अपने लाइफस्टाइल पर भी धन खर्च कर सकते हैं। यदि हम निवेश की बात करें तो वर्ष के शुरुआती 4 महीने आप किसी भी बड़े निवेश को करने से बचे। आप शेयर मार्केट, लोहे आदि की चीजों में निवेश करने से बचे। आप वक्त और अनुभव के साथ धन संचय करने की कला भी सीख जाएंगे। जनवरी फरवरी आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग बनाकर पंचम में विराजमान है और आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ होगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। माह के माध्यम से सूर्य शत्रु भाव में गोचर कर शत्रुओं के निजात दिलवाने का काम करेंगे और 17 जनवरी को शनि सप्तम में गोचर कर भाग्य भाव को पुष्ट करने वाले हैं। इस समय गुरु के 8वें भाग्य भाव में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस समय आत्मबल की घटनाओं को समझना होगा। दशम में मंगल कार्य स्थल पर ऊर्जा बनाकर रहने वाले होंगे और यात्राओं से लाभ होगा। फरवरी माह में सप्तम भाव में शनि शुक्र सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। वहीं 6वें भाव के बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल के 4वें भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन एवं भवन खरीदने में जा सकती है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्त्री जातकों को इस समय माह शुक्र के सहयोग अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च का शुक्र नए कारोबारी संबंध बनाकर आपको धन लाभ करवाने वाला होगा। 3रे भाव में केतु का गोचर भाई बहनों से विवाद का कारण बन सकता है। मार्च अप्रैल मार्च के माह में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। मंगल का गोचर दशम भाव से निकलकर लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र की युति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवारों से लाभ होने के योग हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर के आएगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युति गुड़ विद्या की ओर आपको लेकर जाने के वाली होगी। हालांकि इस समय बुध के नीचे राशि में होने से आपको मित्रों पर अधिक विश्वास करके नहीं चलना है। अप्रैल के माह में शुक्र आपके दशम स्थान में गोचर कर आपको लाभ देने वाला होगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय आपके वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार के किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा और शेयर मार्केट में भी फायदा होगा। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे और वहीं उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति होगी। मेष राशि में सूर्य राहु गुरु बुध की ये युति आपके भाग्य को प्रबल कर सत्ता प्राप्ति में मदद करेगी। इस समय भाग्य पर देव गुरु की कृपा से आपके अटके काम भी पूरे होने लगेंगे। मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण बन सकती है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना है। लाभ भाव में सूर्य शुक्र की युति स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करवाने वाली होगी। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इत्र कपड़े के कारोबार से जुड़े जातक अच्छा धन अर्जित करेंगे। इस मई फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी महिला जातकों को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। विदेशी निवेश के लिए समय अनुकूल है। जूनके माह में भाग्य और दशम भाव के स्वामी का वह भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। लग्न व गुरु के प्रभाव से इस समय धन में रुचि बढ़ी हुई रहेगी। बुध दशम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति के कारण बनने वाला है। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। माह के मध्य में सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करने वाले होंगे। इस समय सप्तम में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि और मंगल शनि का अशुभ योग पत्नी के मनमुटाव का कारण बन सकता है। जुलाई माह में लग्नेश में लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश में सम्मानित भी किया जा सकता है। बुध सूर्य के बुधायित्व योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि से दुष्ट होने के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि हो जाती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं। इस समय यौन इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, इस पर काबू करना होगा। सूर्य शनि के एक दूसरे से 6वें और 8वें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारियों में सहयोग बनाकर चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली होगी। अगस्त माह में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीज उसे लाकर दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का योग बना हुआ है। लग्नेश्वर सूर्य का लग्न में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बनाने वाला होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसे तेज और आज इस माह बुध यानी शनि का सम सप्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से बढ़िया होगा। महिला वर्गों के इस माह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। सितंबर माह में महा व्यापारियों को अच्छे मौके मिल सकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। मीडिया जन संसार और लेखन से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन से तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय
समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की उम्मीद है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर अपने परिवार का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निसंतान दंपति बच्चे के लिए कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। अक्टूबर माह में दशमेश शुक्र लग्न में ही गोचर पकड़ उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्ति हो सकती है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु का संजाना आपके साहस की वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। इस समय मंगल की दृष्टि से आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। गुरु मंगल के समस्तक योग से आपको इस समय भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। नवंबर दिसंबर 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युति केतु के साथ होगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि होगी। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को कष्ट संभव है। राहु के संचरण से आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज आप पूरे बल से आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल माह मध्य से अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र में मंगल बुध की से इस माह मानसिक बल प्राप्त होगा। शनि के सप्तम भाव से आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही है। साल के अंतिम माह में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। अपने मूल त्रिकोण राशि तुला के शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला है। इस समय मीडिया कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े जातक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस माह आपको यात्राओं में बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा। वहीं शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी की तरक्की दिलवाने का काम करने वाला है। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी से जुड़े काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े जातक धन लाभ की ओर अग्रसर होंगे। तो मित्रों, साल के संपूर्ण राशिफल में इतना ही। ऐसे ही राशिफल और ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।